Hey, welcome back guys, this is Kamran and you are on Galaxy of Proton Gamers. So guys, आज हम प्ले करेंगे अपना नेक्स्ट रिवीजन कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमेस्टर्ड वर्जन 4 का. और इसमें भाई आप लोग इंट्रो देख ही रहे हो, ये सारा इंट्रो चल रहा है इसमें. और फर्दर हमें जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो अभी कल मिल जाती हैं. अभी हम लोग इसकी ब्रीफिंग्स भी देख लेंगे. सो जो सास टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है ये मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए. बेसिकली इसमें होना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. हमारी जो CIA इंटेलिजेंस है उसने भी एक रिपोर्ट हमें दी है और ये इसकी एग्जीक्यूशन होनी है रशिया के किसी माउंटेनियस इलाके में. वहाँ पे हम लोगों ने जाना है जाके. एक हमारा कैप्टन प्राइस का एक सीक्रेट एजेंट था यहाँ पे जो जिसका कोड नेम निकलॉय है. उसको हम लोगों ने इनकी जो जेल है उससे हम लोगों ने रिलीज़ करना है. अभी ये देखें इनके पास है ये. अभी इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी इंटेल्स. गाइज आई थिंक अभी अंदर ले जाया जा रहा है इसको किसी जेल वगैरह में या कहीं पे. अभी देखते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये लोग. ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक ये इनका बेस है. ये आई थिंक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह की कोई आर्मी वगैरह है. अभी ये भाई शूटिंग भी कर रहे हैं साथ में. देखें कैमरा वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है और आई थिंक ये शूट करने जा रहे हैं इस बंदे को. देखते. गाइस शूट कर दिया उन लोगों ने इस बंदे को. अभी हमारी जो मिशन की ब्रीफिंग्स हैं वो ये आपके सामने हैं, इनको देख लें, देन आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा इन माय सिंपल लैंग्वेज. सो लेट्स सी. बट इन लेस देन 3 आवर्स कोड नेम निकोलाय विल बी एग्जीक्यूटेड. निकोलाय सर. निकोलाय इज आवर इन्फॉर्मेंट इन द अल्ट्रा नेशनलिस्ट कैंप. ही सप्लाइड द इंटेल ऑन द कार्गो शिप ऑपरेशन. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. सो गाइस जो इंटेल थी वो हम लोगों को पीछे बता दी गई है. सो बेसिकली जो निकोलाय है वो भाई यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंट है इन लोगों का, मीन्स के अमेरिका का सीक्रेट एजेंट जिसे कहते हैं. इसने भाई जो पीछे फर्स्ट मिशन एग्जीक्यूट किया था हमने कार्गो शिप वाला, वो इसने भाई उसकी इंटेलिजेंस हमें दी थी, इंटेल बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह थी इस बंदे ने प्रोवाइड की थी कैप्टन प्राइस वगैरह को. उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन रशिया. बेसिकली वो कार्गो शिप भी रशिया ही का था. इस वजह से इन लोगों ने उसको पता लगा के ट्रैक करके किसी तरह अरेस्ट कर लिया है. अब हम लोगों ने इसको रेस्क्यू करना है. मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो रेस्क्यू करना है निकोलाय को, देन हमने यहाँ से एवैक्यूएट करना है. और गाइस जो अब हमें इंटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो भी यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट है इन लोगों का, उसका नाम है कैफरोव. उसने हमें प्रोवाइड की. इस घर में गाइस बंदे थे वो अलर्ट हो गए जब हमने उसे शूट किया है. इस वजह से मैं बहुत संभल के जा रहा हूँ. ये देखो दो बंदे थे. अब यहाँ पे क्लियर है. अभी गाइज यहाँ पे लोकेशन उसकी अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर्स अवे हमसे है. अभी हम लोग उसको जाके मिलते हैं, देन हम उनकी बेस के ऊपर जाके और जो टारगेटेड प्लेस है हमारी उसको हम सर्च करेंगे और निकोलाय को लेके हम यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएंगे. आई थिंक यहाँ पे वो है, यहाँ पे रीडिंग्स मिल रही हैं. कोऑर्डिनेट्स थे जो हमें वो यहाँ के दिए गए थे. ऑलराइट, सो लेट्स सी. आई थिंक ये भाई ये आई थिंक ये है कैमरोफ, नाम तो नहीं आ रहा अभी इसका. एमिंग मैं करके रखता हूँ. ऑलराइट, ये सार्जेंट कैमरोफ ही है गाइस.
सो इसने भाई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी जो अब हमें इस मिशन की एग्जीक्यूशन के लिए. सो अभी हम लोग जा रहे हैं. ऑलराइट ओके. सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन की तरफ. और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें गाइज, सब्सक्राइब भी कर दें. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें. माई चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड सो प्लीज़ हेल्प अस टू मोनेटाइज इट. और राइट ओके गाइज, सो हम लोग अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं गाइज. सो गाइज मिशन हम लोगों ने नाइट में इस वजह से लॉन्च किया है जो ये कैमरों पे इसने बताया था कि उनकी जो बैकअप टीम है वो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी रात में. सो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आके अटैक किया है. सो अभी हम लोगों ने अटैक जो है वो स्टार्ट कर दिया. अब मैं स्नाइपर राइफल से जितने एम हो सकते हैं जो मशीन गन वगैरह हैं मोटर वगैरह हैं उनको हम लोगों ने यहाँ से एलिमिनेट करना है और जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों ने जाना है. ये देखिए गाइज यहाँ पर भी एक और है मशीन वाला. तो मैं ट्राई करके देखता हूँ उसको बुलेट्स हिट नहीं हो रही दीवार से देखता हूँ गाइस ट्राई करके. बट नहीं यार इधर से नहीं हो रही हिट. सो दूसरी टीम है जो वो गैस वाली वो शायद कर सके इसको इवैक्यूएट. सो हम लोग इनको टारगेट करते हैं जल्दी जल्दी से. ऑल राइट सो गाइस ये भाई ये क्या हो गया इनका बैकअप आ चुका है यार. What the fuck, यार भाई ये तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए मिशन. बट देखते हैं गाइज वे एग्जीक्यूट हो जाएगा. इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी टीम है प्रोफेशनल. सो लेट्स सी. सो गाइज यहाँ पे भी आई थिंक कोई मोटर का गोला या कोई आरपीजी फायर किया था उन्होंने. पूरे घर में आग लगी हुई है. तो अभी इस साइड से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर से फायर करेंगे उनके ऊपर. ओह शिट गाइस, सो जो हेलीकॉप्टर्स आए थे उन्होंने अपने ट्रूप्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं. वो देखें गाइस ये आ रहे हैं. सो इनको पहले एलिमिनेट करते हैं. ऑलराइट ऑलमोस्ट सबको कर दिया गाइस. ओह वाओ यार स्नाइपर की शूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है मेरी. वो देखो गाइस ये आरपीजीज फायर कर रहे हैं. ओ भाई एक और कंपनी आ चुकी है इधर. ऑल राइट ओके ये एक रहा अभी और इसको टेक आउट करते हैं. ऑल राइट ये भी गया भाई. सो अब हम मूव करते हैं आगे और गन हम स्विच कर लेते हैं दूसरी और वो भी ग्रेनेड के साथ. ग्रेनेड लॉन्च करेंगे अब अगर कोई टीम यहाँ पे आ रही है गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रेनेड्स का ही यूज़ करेंगे क्योंकि होपफुली इससे कंट्रोल हो जाएंगे ये लोग. बट यार ये आज पास ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं इस वजह से हमें कवर में जाना पड़ेगा. सो अब इनको देखते हैं. ऑलराइट सो आई थिंक एक है यहाँ पे अभी. किस साइड पे है भाई? यहाँ पे है आई थिंक यहाँ पे. लेट्स सी ये रहा. सो गाइस यहाँ से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है. सो इस एरिया से हम लोग देखते हैं. ओके यहाँ पे एनिमीज की काफ़ी देखें ट्रूप्स अपनी पोजीशंस के ऊपर से फायर कर रहे हैं. सो इनको हम लोग टेक आउट करते हैं. ऑलराइट ओके ओ गाइस इनका टैंक भी है अभी. सो ये रे गाइस ये देखें गाइस वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर आके देन फायरिंग स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट ये आरपीजी वाला बंदा भी गया. ओके ओके सो इट्स एन अमेजिंग गेम प्ले यार. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लीव अ लाइक एंड इफ यू वाना इम्प्रूव माई वीडियोज सो यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. ओके नाउ वी आर मेकिंग प्रोग्रेस.
सो ओ वाओ अमेजिंग यार, ये देखो आरपीजी उससे फायर हो गया था जब मैंने उसको बुलेट मारी थी। सो ये आई थिंक यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स हैं जो वो उनकी ख़त्म हो चुकी हैं फ़िलहाल के लिए। सो अभी हम लोगों ने जल्दी से जाना है। सो अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं इस कैमरोव से कि बैकअप किस तरह से आ गया भाई, इसके पास कोई इन्वेस्टिगेटर या इन्फॉर्मर्स हैं जो वो कौन है। सो अभी मैं कैप्टन प्राइस से बात करता हूँ। सो ये देखें गाइस, ये इसका व्यू है। ओके गाइस, गैस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी हुई है। The house of the northeast end of the village. Well, that wasn't so hard, was it? Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens. So, guys, अभी जो है निकोलाय है वो अभी सामने बता रहा है ये। सो कैप्टन प्राइस ने भाई अभी हमें रोक दिया इन्वेस्टिगेट करने से। उसने कहा है निकोलाय को पहले रिकवर कर लें, देन हम लोग इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो यहाँ पे गाइस रेजिस्टेंस यहाँ पे भी काफ़ी है। सो अभी इन लोगों से भाई फायर करके और क्लियरेंस लेके देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट। सो बेसिकली सर्चिंग है ना जो हमारी इन घरों से स्टार्ट है, क्योंकि इसी एरिया के अंदर निकोलाय को किसी घर के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। सो अभी लेट्स सी, अब जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें, यहाँ पे है भी या नहीं। अभी ये भी कंफर्म नहीं है यहाँ पे है या नहीं और ज़िंदा है या इन लोगों ने उसे मार दिया है। सो यहाँ से जाएंगे हम लोग। ओके यहाँ पे हैं कुछ लोग। ओ वाओ, ऑल राइट। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी है भाई अभी, और कवर में जाना पड़ेगा गाइस। ये आ रहा है। ओके ओ शिट 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 शिट, चलो भाई ये भी कमाल हो गया है। ओ शिट गाइस, कैप्टन प्राइस थे यहाँ पे। सो गाइस इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड रिमेंबर व्हेन यू हिट सब्सक्राइब बटन आल्सो हिट बेल आइकन। Bloody hell, let's move. He may still be alive. ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिला, बट इस घर का कह रहा है कैप्टन प्राइस। सो इसको हम लोगों ने सर्च करना है। ओके गाइज, अभी गैस है जो उसको कैप्टन प्राइस ने ऑर्डर दिया है कि जो इसका मेन स्विच बोर्ड है घर का वो जाके ऑफ कर दो, ताकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कट हो जाए। सो हम लोगों ने अपने नाइट वियंस ऑन कर लिए हैं दोबारा से। सो अब हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। ओके यहाँ पे है भाई एक। ओके और यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। ओके यहाँ पे है गाइस, ऑलराइट। सो स्टेयर्स के ऊपर जाना है हम लोगों को, और आई थिंक यहाँ पे भी है गाइस एक। ओके सो ये गैस है, यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे। ऑलराइट ओके गाइस, ये कौन शूट कर रहा है? अरे ये रहा यार। ओके गाइस, सो ये आई थिंक निकलो ये गाइस मिल चुका है, बट यहाँ पे उन लोगों ने सामने रखा हुआ है। ये देखो गाइस, क्योंकि उन लोगों ने सामने रखा हुआ था खुला ही, सो इस वजह से मुझे शक हुआ है। और ये देखें वो यहाँ से निकला भी ये बंदा। सो हम लोगों ने निकोलाय को गाइस रिकवर कर लिया। अभी हमारी राइड है जो वो यहाँ पे आती होगी, सिग्नल उनको भेज दिया गया है। सो अब हम लोगों ने फ्लाई करके यहाँ से इवैक्यूएट कर जाना है। सो मिशन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इवैक्यूएशन ही रह गई है। सो ये देखें गाइस, रेडियो कॉन्टेक्ट हो चुका है हमारी राइड के साथ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप एंड रियली रियली थैंक यू टू वॉच माय वीडियोस एंड योर सपोर्ट।
सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अ हेल्दी, बी अ हार्ड वर्कर फॉर योर सक्सेस। Why? The Americans are making mistake. They will never take Al-Assad alive.